ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। तो साथ ही और भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं अंक शास्त्र से। चलिए जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, 10, 19 व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज आपके वाहन में किसी प्रकार की खराबी आ सकती है। सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों के रुके काम आज पूरे होंगे। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उपाय, गुड़ खाकर घर से बाहर निकले। मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चंद्रदेव करते हैं। दिन कुछ चुनौतियों से भरा हुआ रहेगा। महिला को आज अपने ईगो पर काबू रखने की जरूरत है। व्यापार के सिलसिले में लंबी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंतित हो सकते हैं। उपाय करना है, माता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। मूलांक 3, 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। नौकरी में सहकर्मियों की मदद से कुछ जरूरी कामों को निपटाने में सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। संतान से कोई सुखद समाचार मिलेगा। कान का रोग परेशान कर सकता है। उपाय, चने की दाल मंदिर में दान करें। मूलांक 4, 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। पिता के साथ चल रहे वैचारिक मतभेद आज दूर होंगे उनकी कृपा से। और आर्थिक तंगी का सामना करना लेकिन पड़ सकता है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। उपाय करना है, तुलसी की माला धारण करके। मूलांक 5, 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज नौकरी में भी स्थानांतरण होने के संकेत हैं, परंतु पदोन्नति का योग कम बनता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। अविवाहित व्यक्तियों के जीवन में प्रेम संबंध दस्तक दे सकता है। उपाय कर सकते हैं, घर में चौड़े पत्ते वाले पौधे न रखकर। मूलांक 6, 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज विचारों में किसी बात को लेकर द्वंद चलता रहेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। व्यापारिक परेशानी में ननिहाल परिवार से मदद मिलेगी। त्वचा संबंधी कोई रोग परेशान कर सकता है। उपाय, सफेद वस्तुओं का दान करें। मूलांक 7, 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। और संतान को शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई उपलब्धि मिलती दिख रही है। बिना मांगे किसी को कोई सलाह न देने की सलाह दी जा रही है। व्यापार में प्रतिद्वंदी परेशान कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ प्यार भरी नोकझोंक होने के संकेत हैं। उपाय कर सकते हैं कि आज किसी से झूठा वादा ना करें। मूलांक 8, 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। रिसर्च से जुड़े विद्यार्थियों को आज सफलता मिलेगी। जीवन साथी से हर क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, दुर्घटना की संभावना है। किसी को दिया हुआ पैसा भी वापस मिलने की संभावना बन रही है। उपाय भी कर सकते हैं, ससुराल से इलेक्ट्रॉनिक सामान न लेकर। आइए बात करें मूलांक 9 की, तो 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व जो है मंगल देव करते हैं। पैतृक संपत्ति में वृद्धि होती दिख रही है। विदेश में भी काम करने वाले व्यक्तियों को लाभ मिल सकता है। साझेदारी में व्यापार करने से बचना है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के वेतन में बढ़ोतरी मिल सकती है। उपाय, कानों में सोना धारण करें।